टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज इस वीडियो में हम कुछ धांसू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बस गाइस हमने काउंटर थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, तो भाई आपको पता नहीं लगे मैंने नीचे आकर पहन कर रखा है या नहीं पहन रखा। अच्छा दिखा दिया इसने, तो भाई इन्हें वो दिखाया है जो इसने खुद ने पहन रखा है भाई। मैंने तो पैंट वेंट पहन के पजामा वजामा पहन के आया हूँ। तो गाइस आज इस वीडियो में हमको धांसू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं सिगरेट लाइटर्स हैं, जो गाइस आपने आज तक देखे नहीं होंगे। गाइस सिगरेट मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं जो गाइस आपके डेली लाइफ में काफी काम आएंगे। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वॉच की तरह चलेगा, चलते अपने समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ सिगरेट लाइटर की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई साहब मेरे पास थोड़ा बहुत लाइटर पड़े हैं, थोड़ा बहुत ढूंढने पड़ेंगे, कुछ पुराने धुराने भी है भाई साहब। कहाँ चले गए बे, मेरी एक आवाज पा जाने चाहिए तुम। देखिए 1 2 3 4 5 6 4 होना चाहिए। अच्छा ये रही खराब है, चल जाएगा। तो भाई ये कुछ अच्छा भाई ये क्या। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 लाइटर हो गए, बहुत बढ़िया। और गाइस ये ही मिला है, ये मोंटी बहुत खाता है क्योंकि उसके मुझसे काफी समझ रहे हो तुम। मेरी जिंदगी में गाइस काफी मिशन है, लेकिन एक मिशन ये भी कि जल्दी उस मोंटी को मैं नशा मुक्ति केंद्र भेजूंगा। अच्छा ओके। तो गाइस फटाफट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो गाइस मैं काफी सोचता था, सोचता हूँ और सोचता ही रहूंगा भाई ये एक सिगरेट लाइटर कितनी देर चल सकता है, मतलब कितना इसका लाइफ है, कितनी देर अगर कंटिन्यू चलाए तो ये चल सकता है। उस हिसाब से गाइस आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो गाइस वैसे एक्सपेरिमेंट तो बहुत है, बहुत एक्सपेरिमेंट, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। फटाफट गाइस आते हैं कि भाई एक लाइटर कितने देर चल जाएगा। फटाफट अपना सेटअप लगाते हैं। तो गाइस आपके गरीब भाई ने यहाँ पे छोटा सा सेटअप लगा दिया है, गरीब का सेटअप आप देख सकते हो। एक पोग्रो सॉरी गो प्रो एक यहाँ पर लाइटर में लगा दिया वॉइस में, और यहाँ पर केबल टाइप लगा दिया चलाने के लिए। पहले इसकी फायर देखते हैं गाइस, ये फुल है, बिल्कुल न्यू लाइटर है, मैंने आज तक इसका यूज नहीं किया है, बिल्कुल भी नया मंगाया है जो आपने देखा। तो भाई मैं चलाता हूँ, अरे बाप रे खैर काफी हाई है। तो भाई देखते हैं ये चल पाता है, कितनी देर चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो भैया कैमरा चालू कर देते हैं अपना, और भैया यहाँ पे एक मोबाइल भी रख देंगे जिससे गाइस आपको टाइम भी पता लगती रहे। तो गाइस यहाँ पे करता हूँ स्टॉप वॉच ऑन, थोड़ा 2-4-5 सेकंड इधर रख लीजिएगा। और भाई ये रहा ऑन, और भाई ये हो गई टाइट। ओ ओ ओ ओ ओ हाँ हाँ भाई चल रही है भाई, जो बात है देखो। चलो भाई इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, कितनी देर चल पाता है वो देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये भाई बंद होने वाला है, गैस तो इसके अंदर है लेकिन भाई ये एरिया जल गया है। तो भाई मोटा मोटा मान के चलते हैं ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाएगा, 9:30 आपके सामने टाइम है फिलहाल जो हो रहा है। और भाई साहब आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये मान लिया। तो भाई साहब काटते हैं, देखिए अभी भी भाई ये ऐसी चिपका हुआ है नीचे, और इसे निकालते हैं, बहुत थोड़ी इसके अंदर गैस बच रही है। यहाँ पे मेल्ट हो गया, गर्म होकर पिघल गया है, जो गाइस ज्यादा देर चलने के लिए नहीं बना है। देखिए इसके अंदर की जो प्लास्टिक है ये जल चुकी है, और भाई ये जो बटन है ये यहीं का यहीं रुका हुआ है। तो भाई मान कर चलते हैं कि भाई ये अप्रोक्स 10 मिनट तक कंटिन्यू चल जाएगा, और भी चल सकता है लेकिन भाई अगर ये ना जले तो। और भाई से अभी भी चलाए तो चल जाएगा, चल जाना चाहिए, तो गैस के अंदर है भी, चल जा। ओहो हो हो चल गया चल गया चल गया चल गया। देखिए लेकिन यार मजा नहीं आ रहा जलने में, देखिए जलाता भी तो सकते हो तो ये, लेकिन ये हो गया बेकार। प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को घर पर ना करें, कितनी देर चल जाता है हम भी चला के देखते हैं। ये बहुत कम समय के लिए चलाने के लिए बना है, सिर्फ 10 रुपए का आता है। प्लीज दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट घर पर बिल्कुल ना करें, आपने वीडियो देख ली मजा आया तो लाइक ठोक दें भाई, काफी टाइम लगता है चेक करने में। तो चलेगा इस ये तो हो गया बेकार, अब आते चलेगा अब आते फटाफट सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो गाइस ये काफी पुराना लाइटर है, मैंने इसकी यूज काफी किया, लेकिन इसके अंदर गैस अभी भी काफी है। मैं चलाता हूँ कितना लो जल रहा है। तो भाई सबसे पहले इसकी लो बढ़ाते हैं। तो यार ये तो काफी इजी है, मुझे पता है कि काफी लोगों को पता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कुछ और है, इस पर बेस नहीं है। तो भाई ये जो है आप इसे थोड़ा सा आगे लगाओ, मैं इसे लगा देता हूँ पहले, ठीक है। अभी थोड़ा और खोल दो, यहाँ पे थ्रेडिंग होती है थोड़ी, इसे और खोल दो। और भाई इस तरीके से चाहो तो और भी इसे खोल सकते हो, जितना इसे खोलोगे उतनी आग ज्यादा आएगी। ये खोल दिया ठीक है, अब ज्यादा मत खोल दो वरना गाइस इसमें से गैस लीक होना हो जाएगी। फटाफट फिट करते हैं, तो चला के देखते हैं भाई। अरे बाप रे देखिए देखिए यार मैंने थोड़ा ज्यादा खोल दिया था, अभी भी गैस में लीक हो रही बिना कुछ करे। हमारा खैर ये एक्सपेरिमेंट नहीं था गाइस, एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ और भाई, मैं इसमें सारी गैस निकालने वाला हूं, वो निकालना काफी है। यहां तो यहां से निकल जाएगी, इसे दबा रखोगे निकल दी गैस, देखिए लेकिन यहां तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम कुछ और करेंगे। यार पूरे स्टूडियो में बदबू ही बदबू आ रही है, और ये किसी की पेट की बदबू भी नहीं है। तो भाई इसे खोलने के लिए हम क्लार गैस करेंगे, हमें इसकी सारी गैस खत्म करनी है। निकलना स्टार्ट हो गई, कैसे बुलबुले छूट रहे हैं, गैस लीक हो रही है मिनटों सेकंडों में। प्लीज दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट घर पर ना करें, मैं आपको गैस निकाल के दिखा रहा हूँ, अभी मैं कुछ और भी करके दिखाऊंगा, मतलब जो आप सोच रहे वो नहीं, आई एम सॉरी, कुछ और का मतलब कुछ और होता है। देखो भाई सारी गैस थोड़ा सा मुड़ जाएगी, और इसे डालते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए
ये थोड़ी देर में उड़न छू हो जाएगी भाई, बिल्कुल ठंडा हो चुका है जो बात है। गायब हो रही है, गायब हो गई, ये रही, हो गई गायब। पूरे स्टूडियो में बदबू ही बदबू आ रही है। तो गाइस अब मैंने इसे वापस से असेंबल कर दिया है और ये बिल्कुल खाली हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी गैस नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं चल पा रहा, चलेगा नहीं भाई, गैस ही नहीं है। तो भाई अब इसके अंदर गैस भरते हैं। गैस भरना कैसे है? तो भाई यहाँ पर ले रहा हूँ एक पैन का रिफिल, तो भाई मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूंगा, बस हो गया। और भाई तो थोड़ी सी जो इसकी एज है ना वो थोड़ा सा सीधा कर दूं, कटने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है मामला। तो भाई ये कुछ मैंने अप्रोक्स 10 mm का छोटा पीस कट किया है। तो गाइस अब ये दो लाइटर ले रहा हूँ जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, इसमें थोड़ी सी गैस बच रही थी, इसके अंदर भी खाली है। तो भाई इसके अंदर गैस भरने की कोशिश करते हैं। जिस लाइटर अंदर गैस भरना है उसे नीचे तरफ रखना है और जिससे गैस भरना है उसे ऊपर की तरफ रखना है। कोशिश करते हैं गाइस ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाए। एकदम से भाई कैसे उठी गैस? अरे भाई जा रही है, जा रही है, जा रही जा रही है। अरे भाई जा करिए, इसके अंदर गैस काफी कम थी तो इसे फेंक देते हैं और दूसरा खराब लाइटर है इसको ले लेते हैं, इससे गैस भरते हैं। वही प्रोसेस और वही प्रोसेस। दोस्तों एक्सपेरिमेंट घर पे बिल्कुल ना करें। तो गाइस गैस तो इसमें आ गई है, देख सकते हो, ज्यादा नहीं आ पाएगी गाइस, आधी गैस तो उड़ गई, मतलब फुर हो गई एकदम से, इतनी आई थिंक इनफ है चलाने के लिए। अरे बाप रे चल रहा है, देखिए बहुत तेज की लो रही है, हाँ अब ठीक है। तो भाई मैंने इसका जो नोजल है वो ज्यादा खोल रखा है, आप कम कर सकते हो। तो गाइस 100% वर्किंग है और भाई ऐसे आप गैस भर सकते हो किसी भी लाइटर में। तो गाइस भर तो सकते हो लेकिन दोस्तों प्लीज भरना मत, क्योंकि ये सिर्फ 10 रुपए का आता है और भाई 10 रुपए के चक्कर में कोई रिस्क नहीं लेने का, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो भाई प्लीज घर पे ना दो रहे, चलेगा फटाफट थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। तो भाई थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इसी लाइटर को ले लेता हूँ जिसमें मैंने गैस भरी है, जो की ज्यादा ही अग्रेसिव मामला हो रहा है। तो भाई इसे पहले हम खोल लेते हैं, आसानी से खुल जाता है, बच्चों का पजामा है, देखिए निकल गया। और भाई इसे निकाल लो, और भाई ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गैस निकाल दो, इस एक्सपेरिमेंट में गैस की जरूरत है ही नहीं हमें। वैसे गैस ऑलरेडी इसमें गैस कम है, वैसे रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल सकते हो आप, मैं बता रहा हूँ खराब लाइटर भी है तो भी आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो भाई मुझे इसकी जरूरत है, हमारे सेहत ने दिमाग में एक आइडिया है वो धांसू। तो भाई इस वायर को हम थोड़ा सा इसकी जो कोटिंग है ना वो हटाएंगे, हट गई और बैठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले बस इतना ही करना है। और ये काफी धांसू और मस्त एक्सपेरिमेंट होने वाला है। इस वायर को मैं ऐसा करना है कि भाई साहब ये टकराए, किससे टकराए अभी देख लेंगे, पहले मैं से ऐसा लगा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ मैंने हल्का सा मोड़ दिया है और वैसे इसकी जो थैनी फिर भी एक फील आए तो मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है वापस लग जाएगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना तो इसे हम कट कर देंगे, बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। और भाई अब मैं इसे वापस इसे लगा दूंगा, वैसे कहीं इतना कोई ध्यान से नहीं देखेगा, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा आउट है तो आप इसे थोड़ा सा और काट दे। आप चाहो तो एक आइडिया और भी है, आप इसको कोई भी अलग से वायर लेकर लपेट सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मजा ऐसा है ना वो मजा वैसे नहीं। तो भाई अभी क्या बन गया है गाइस, अभी करंट वाला लाइटर बन गया है, जो भी इसका यहाँ से यूज करेगा ना वो भाई करंट खाएगा। अरे भाई साहब, भाई से दबाते ही इस पूरे एरिया में करंट आ जाता है, आप तो यूज कर सकते हो इस तरीके से, चलेगा नहीं अभी क्योंकि भाई इसका जो ये लाइटर था, ये जो चिंगारी जो स्पार्क क्रिएट करता है वो हमने इस पर लगा दिया। तो गाइस ये करंट मारता है, गैस लाइटर करंट मारता है ना इस तरीके से, तो भाई इससे अलग हो गया, अगर इससे ऐसा करोगे ना सर टच हो जाओगे, तो भाई साहब ये पूरे में करंट आ गया है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से आप किसी के साथ प्रैंक कर सकते हो, छोटा सा एक झटका लगेगा, ज्यादा तेज करंट नहीं मारता लेकिन अचानक से गाइस तेज लगता है। अगर आपने कभी लाइटर जो गैस लाइटर चलाते वक्त करंट खाया ना भाई, उसका करंट लगता है ना, वो करंट लगता है। तो भाई कोई मांगे लाइटर 20 सेट वाला तो आप उसे इस लाइटर को दे सकते हो, थोड़ा सा प्रैंक हो जाएगा, वैसे इससे होगा कुछ नहीं, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा झटका लगेगा जिसका उसके हाथ से लाइटर ऐसे छूट जाएगा अचानक, मतलब ये क्या लग गया। तो गाइस आई होप ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा, तो चले गाइस फटाफट फोन नंबर की तरफ चलते हैं। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी मैं इसी लाइटर लूंगा जिसमें मैंने करंट का सिस्टम किया है, क्योंकि इसी में हटाने वाला हूं, ठीक है, इसका कोई फिलहाल रोल नहीं है। तो भैया वैसे भी गाइस हमें किसी को करंट नहीं खिलाना, जिंदगी इतने झटके देती रहती है तो करंट की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक करंट देता रहता ऊपर वाला, वही करंट खा के सब मजबूत हो रहे हैं और ये वायर टूट गया की जरूरत नहीं थी। और देखिए भाई ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अलग होने वाला है, अभी तक आपने देखा होगा इसका यूज बहुत करते हैं, इसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो भाई बिल्कुल भी काम ना करे। इसका वायर मैंने बिल्कुल तोड़ दिया है, उखाड़ दिया है, कोई भी संभावना नहीं गाइस यहाँ पे स्पार्क हो। और भाई अभी से वापस लगा दे और एक बार चेक कर ले चलाकर कि कोई स्पार्क आ तो नहीं रहा है, आपको दिख जाएगा इसे अगर आप अंधेरे में देखोगे तो, फिलहाल इसमें नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम दोबारा से अगेन एंड अगेन इसका ये फिर से खोलेंगे। तो भैया मेन मकसद ये है कि हमें इसकी गैस निकालनी है, आवाज आ रही है आपको, देखिए तो भैया हमें इसकी पूरी गैस निकालनी है, तो अभी इसके अंदर गैस है क्योंकि हमने इसके अंदर गैस भरती थी, देखिए उड़ गई।
10-15 मिनट के लिए इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, जिससे इसके अंदर जो गैस थी वो निकल जाए और इसमें थोड़ी स्मेल कम हो जाए। वैसे स्मेल इसमें सिर्फ कम होगी, खत्म नहीं होगी। खत्म गैस हो गैस उस पर आएंगे, पहले 15 मिनट के लिए धूप में रख देते हैं। तो गाइस लगभग 20 मिनट हो गए हैं, अब इसमें स्मेल काफी कम आ रही है पहले से, तो भाई अभी से फटाफट असेंबल करते हैं जैसे था। तो गाइस मैं सारी गैस निकाल दी प्लस इसे असेंबल भी कर दिया है। देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी गैस नहीं है। अब भाई इसके अंदर हम गैस नहीं भरेंगे, हम कुछ और ही भरने वाले इसके अंदर। तो गाइस इसके अंदर हम भरने वाले हैं ये डिओडोरेंट या परफ्यूम, इत्र, कुछ भी आप इसके अंदर भर सकते हो। वैसे गाइस अगर परफ्यूम रहे तो अच्छा है, मतलब गैस वाला होना चाहिए जो भी हो जिसमें गैस हो। अगर भाई इसे निकालो और ये इजी निकल जाएगा, निकल गया कोई टेंशन नहीं है। इसे इसके अंदर भरना है, उल्टा रखना है बस भाई, बार बार ऐसे ही करता रहो। देखो और भाई इसका बहुत बड़ा फायदा भी है, थोड़ी सी बाहर आ गई है लेकिन टेंशन ले लेगा। देखते हैं यार, भाई साहब इसके अंदर आ गया है, देखिए ये गैस इसके अंदर। तो भाई अब ये क्या बन चुका है गाइस, ये बन चुका है आपका छोटा सा मिनी पॉकेट डिओडोरेंट कह सकते हो। तो गाइस मैंने इतना भरा है और ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया है, तो आप इस तरीके से फुल भर सकते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और गाइस इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, जैसे कि आपको अलग अलग परफ्यूम पसंद है, आपके पास एक कलेक्शन है, ठीक है, तो आप दो चार लाइटर लेके थोड़ा थोड़ा थोड़े उसमें ऐसे सकते हो, ठीक है ना। नशेड़ी जुहारी, और अगर ना कोई ना समझे आपको, जो कि आप नहीं होंगे सब्सक्राइबर हमारे, तो भाई आप ऐसा कर सकते हो, वरना ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। अब इसका यूज बताते हैं क्या है। तो भाई इसका यूज तो काफी इजी है, आप करना कुछ नहीं है, मतलब करना है ऐसे नहीं है, जहां भी आपको लगाना हो थोड़ी थोड़ी भाई साहब, इसमें से बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू निकलती रहेगी। आपको करना क्या है, जैसे कहते आप इसे दबाओगे तो भाई इसमें से गैस जो परफ्यूम है डिओडोरेंट है वो निकलेगा, ठीक है। और भाई आप जैसे पॉकेट में कहीं भी या बालों पे ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा सकते हो, उड़ता रहेगा और आपके बालों में या कहीं भी ऐसे लगता रहेगा। तो ये काफी एक मस्त एक्सपेरिमेंट है, आप इसे कर सकते हो। इसका जो लाइटर सिस्टम है वो खत्म कर देना। तो फ्रेंड्स आई होप ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छा लगा, कुछ नया गैस आपने देखा। तो चले गए फटाफट फिफ्थ नंबर की तरफ चलते हैं। अब भाई ये एक नया लाइटर ले लिया मैंने, मैंने सोचा यार बार बार एक लाइटर यूज करके फायदा कितने बार रिसाइकल होगा। तो भाई मैं पहले आपको इसे चला के दिखाता हूं, देखिए काफी कम लो है, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ता है, इसको आपको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। और देखिए अभी काफी बढ़ गया है, लेकिन आपको कभी कभी और भी बढ़ाना है या और भी कम करना है। देखिए मैं तो कम करता हूं, ठीक है, अभी से आपको और भी कम करना है, बहुत कम करना है, तो दिक्कत है कि भाई आप करेंगे क्या। तो भाई ये काफी अच्छा एक आइडिया एक्सपेरिमेंट हो सकता है अगर आप बने रहो तो। देखिए ये निकल गया, अब आप करोगे क्या, जो कि लोग करते हैं ऐसे खोल के थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, लेकिन भाई मैं इसे छेड़ने नहीं वाला, मैं इसे छेड़ने वाला हूं, मैं यहां से इसे कट करूंगा। तो भाई ये मैंने काफी बड़ा होल कर दिया इसका, यानी कटिंग कर दी है। भाई कोई भी हम कागज लेंगे, थोड़ी सी उस पर स्क्रू डाल देंगे और भाई इसे लेंगे हल्की सी और इस पर लगेंगे। तो गाइस ये उठाना, ये जो इसका स्क्रू है ये यहाँ से कहीं ना जाए, एकदम मत लगाना भाई वरना इसके अंदर घुस जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। बस ऐसे स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा थोड़ा लगा ले, अभी ऊपर नहीं उठेगा, देख सकते हो बिल्कुल चमका रहे हो ना, आगे पीछे हो जाएगा जैसे कि अब हो रहा है, देखिए कहीं नहीं भागेगा वरना ये निकल कर भाग जाएगा। तो भाई ये मैंने लगा दिया, अब देखिए कितना आप इसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, भाई कितना बढ़ेगा इसके एडजस्ट का। और देखिए यहाँ पे चली नहीं रहा, यहाँ पे करते देखिए ज्यादा हो गया, हम ज्यादा, तो यहाँ आप इसे लोग कम या बिल्कुल कम या बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो भाई मैं इसे पूरे पकड़ता हूँ और देखो भाई साहब देख सकते हो कितना ऊपर तक गया, और मैं थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ से कम जल रहा है, तो आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हो, हाथों हाथ कम ही रखें मीडियम रखें, तो गाइस आपकी गैस जल्दी खत्म नहीं होगी, मतलब आपकी नहीं इस सिगरेट लाइटर गैस जल्दी खत्म नहीं होगी और थोड़ा सा सेफ भी रहेगा, एकदम से नहीं जलेगा। देख सकते हो भाई साहब कितना तेज जल रहा है। तो भाई हमने इसमें छोटा सा एक मॉडिफिकेशन किया है, जिससे गाइस की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ गई है काम करने की। तो गाइस आइडिया तो और भी है, बहुत सारे आइडिया है, लेकिन भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उन आइडिया को बाकी वीडियो में कवर करेंगे। तो आयो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफी मस्त लगी होगी, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये क्या था, तो प्लीज दोस्तों लाइक करें और भाई जरूर बताएं कमेंट करके इनमें से कौन सा आइडिया आपको ज्यादा मस्त लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। ला 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 ला।